दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग परसू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर उसके जो यूटीडी सेंटर से वहां पर पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यहां पर आने वाले साल में यानी 2024 के नए सत्र में एडमिशन को लेकर जानकारी है। यूजी पीजी और जो यूटीडी विभाग है वहां पर, और कुछ जो अभी एग्जाम बाकी है सेमेस्टर के जून में, उसके टाइम टेबल में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सीजी एजुकेशन न्यूज आपको ऑटो प्ले और फेसबुक के पेज पर भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो टाइम टेबल में चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी हुआ है, वो है बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड का, जो 7 जून को एग्जाम होने वाला था पहले, अब वो सारे जो बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड के जो विषय लिखे गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, तो जो 7 तारीख को एग्जाम होने वाला था वो अब 22 जून को होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ दूंगा जहाँ से आप लोग ये सब्जेक्ट देख पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। उसके बाद जो एमसीए का सेकंड सेमेस्टर का मेन का यहाँ पर न्यू कोर्स का होने वाला था, एमसीए का जो प्रश्न पत्र था इलेक्टिव 2 मोबाइल कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये 20 जून को होने वाला था, 20 जून को ना होकर वो 23 जून को रहेंगे, बाकी सब वैसे ही यहाँ पर रहने वाले। इसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एडमिशन की, तो एडमिशन के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो एडमिशन जो नए सत्र के लिए 2023-24 के लिए 16 जून से यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो जो परसू यूनिवर्सिटी का जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इसका ऑफिशियल साइट का पोर्टल जो है 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 16 जून से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ये केवल यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, तो 16 जून से पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं नए सत्र में एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो यूटीडी विभाग है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर के जो अध्ययनशाला है जहाँ पर सभी पीजी कोर्सेज चलाए जाते हैं, उसके लिए पोर्टल चालू हो चुका है 5 जून से, और इसके लिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए यूटीडी विभाग में एडमिशन के लिए यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, तो उसके बारे में अलग से टाइम टेबल जारी किया जाएगा। फिलहाल आपको फॉर्म भरने इसका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा एडमिशन के लिए, तो वो उसकी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर दूंगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी इसका टाइम टेबल जारी हो एंट्रेंस टेस्ट का, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो यहाँ पर 2023 में जो 24 में नए सत्र में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा यहाँ पर होनी है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, ये देखिए CBS इंट्रेंस टेस्ट 2023 यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लिए जो सिलेबस होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर डेट आ चुकी है। तो 20 जून को ये जो है प्रवेश परीक्षा होगी CBS इंट्रेंस टेस्ट 2023, दोपहर 1 से 4 बजे तक होगा। तो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग किया गया है, तो रोल नंबर ध्यान से देखिएगा, 23001 से लेकर 230500 तक, यानी कि 1 से लेकर 500 तक, यानी 500 विद्यार्थी रहेंगे। तो उनका जो सेंटर है महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय गांधी चौक कालीबाड़ी रोड रायपुर, यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे। उसके बाद 501 से यहाँ पर 230 तो पहले ही है कोड, 501 से लेकर 900 तक, यानी कि यहाँ पर 400 स्टूडेंट, इनका जो रोल नंबर है इनका सेंटर होगा दिशा कॉलेज कोटा रोड रामनगर रायपुर। उसके बाद 901 से लेकर यहाँ पर 1300 तक, यानी कि 400 स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो होगा यहाँ पर विवेकानंद कॉलेज मोहदा पारा रायपुर। उसके बाद 1301 से लेके 1700 तक, यानी फिर से 400 स्टूडेंट, RITE कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट डूमर तालाब रायपुर में होगा। उसके बाद 1701 से लेके 2100 तक, यानी फिर से 400 स्टूडेंट का जो ग्रुप है उनका
एग्जाम सेंटर होगा विप्र कॉलेज कंप्यूटर अध्ययनशाला पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पीछे रायपुर, ठीक है। उसके बाद 2100 से लेकर 3700 तक यानी 1600 स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें रहेंगे जिसका एग्जाम होगा शिक्षण विभाग पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में होगा, ठीक है। तो कुल 3700 स्टूडेंट का यहाँ पर जो है प्रवेश परीक्षा होगी CBSE के लिए, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो कोर्स आते हैं उसमें एडमिशन के लिए। तो पहले इसका टाइम टेबल तो जो टाइमिंग दिया था 12 से 3 बजे दिया था, लेकिन अब ध्यान रखिए 1 से 4 बजे होगा 20 जून को। और बस इतने ही नोटिफिकेशन है। तो पोर्टल बाकी लोगों के लिए 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। और ये सारी जानकारी थी आपको नए सत्र में एडमिशन के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, इसका PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।